और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा में बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है और बजट सत्र 13 दिन का होगा। इसका समापन 19 फरवरी को होगा। सत्र के दौरान कुल 9 बैठकें होंगी। बजट सत्र के लिए आपको बता दें 2303 सवाल भेजे गए हैं, इनमें 1163 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा और इस सत्र में बजट पेश नहीं किया जाएगा। सरकार सिर्फ योजनाओं का अनुमानित खर्च ही बताएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। हालांकि इस सत्र में बजट पेश नहीं होगा, सरकार केवल योजनाओं का अनुमानित खर्च, जो भी योजनाएं हैं उसमें किस तरह से खर्च होता है उसका अनुमानित खर्च बताया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है कि जुलाई में प्रदेश का बजट पेश होगा, यानी फिलहाल इस बार बजट पेश नहीं होगा। 7 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सेशन 19 फरवरी तक चलेगा। 9 बैठकें होंगी 13 दिन के सत्र में। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन किस तरह से होगा, क्या कुछ होगा आज? देखिए, मूलतः चूंकि हालांकि ये परंपरागत रूप से बजट सत्र होना चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से देखिए तो ये बजट सत्र नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक जो अनुमानित बजट है वो पेश किया जाएगा, एक मसौदा है जाएगा, पूर्ण बजट जुलाई में लाने की सरकार की तैयारी है। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण इसी परंपरा अनुसार होगा जो बजट सत्र में होता है। अगर हम बात करें पूरी कार्यवाही की, तो कुल लगभग 2303 सवाल जो है विधायकों ने लगाए हैं, उसमें से तारांकित सवालों की बात करें तो 1163 और 1140 तारांकित प्रश्न है। 233 ध्यानाकर्षण निश्चित रूप से मान के चलिए कि सत्र की कार्यवाही के दौरान हंगामा जबरदस्त हो सकता है। 139 के अंतर्गत चर्चा के लिए भी कई विधायकों ने जो है अपने प्रस्ताव, फिलहाल कार्यवाही होती है, प्रश्नकाल रोज होता है, तो लगभग 288 सवालों के जवाब मिलना चाहिए। 4 स्थगन प्रस्ताव भी है। तो इन तमाम चीजों के साथ मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र में, क्योंकि अभी का जो घटनाक्रम है, मांग कर सकता है। तो बिल्कुल, आज जिस तरह से कल हरदा में हादसा हुआ उससे लेकर भी हंगामेदार स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। और तैयारियां किस तरह से हैं, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की? सत्ता पक्ष की अपनी तैयारियां, पहले ही उन्होंने मंत्रियों की कार्यशाला की है कि कैसे विधानसभा में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना है, उसको लेकर मोहन यादव जो है खुद मुख्यमंत्री, उनसे लेकर सीनियर मंत्रियों ने क्लास दी है, संगठन के लोगों ने उनको वो दी है। इसके अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों को ये कहा गया है, नए विधायकों को खास तौर पे, कि अगर विपक्ष हंगामा करता है तो उसी अंदाज में जवाब दिया है। तो पूरी तरह से तैयारियां हैं और साथ राज्यपाल का अभिवादन होता है, जब चर्चा होती है तो उसको लेके मुख्यमंत्री से लेके 7 सीनियर मंत्री अपना वक्तव्य देंगे, तो पूरी तरह से सत्ता पक्ष भी उतना ही तैयार नजर आता है। जी, तैयारियां देखनी होगी किस तरह से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।